हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, अब मैं आपको बताऊंगा कि आवेश के मात्रक क्या होते हैं। आवेश के मात्रक यहाँ पर आवेश के मात्रक भिन्न भिन्न पद्धतियों में भिन्न भिन्न होते हैं पद्धति और यहाँ पर मात्रक। पहली पद्धति लेते हैं एस आई या एमकेएस पद्धति। एस आई या एमकेएस पद्धति में पूर्णांक का इसका आवेश का मात्रक होता है पूर्णांक और इस कूलम को हम सी से व्यक्त करते हैं। सी कूलम यहां पर साइंटिस्ट का नाम है। दूसरा है सी जी एस पद्धति या ई एस यू पद्धति। ई एस यू का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। इसमें आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलम। इसी सीबीएस पद्धति से तीसरी पद्धति इसमें आती है वो है ई एम यू पद्धति। ई एम यू का मतलब होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट विद्युत चुंबकीय मात्रक पद्धति। इसमें इसका जो मात्रक होता है वो है एफ कूलम। एफ कूलम इसको ऐसे लिखा जाता है एफ कूलम। तो ये भिन्न भिन्न पद्धतियों में इसके भिन्न भिन्न मात्रक। अब इसमें आपस में संबंध आप देखिएगा एक इसका मात्रक और होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं वो है आपका व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक है इसका एम्पियर सेकंड। तो इसका रिलेशन होता है वन कूलम इक्वल टू वन एम्पियर सेकेंड। तो यहां से हम एक कूलम की परिभाषा भी लिख सकते हैं और वो ये है कि यदि किसी चालक की परिच्छेद क्षेत्रफल से एक एम्पियर विद्युत धारा एक सेकंड में प्रवाहित हो तो प्रवाहित आवेश एक कूलम होगा। यदि किसी चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल से एक एम्पियर विद्युत धारा एक सेकंड में प्रवाहित हो तो प्रवाहित आवेश एक कूलम होगा। इन कुल आवेश के अंदर आपस में क्या संबंध होता है ये आप इसमें देखें एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹
स्टेट कूलम, एयर कूलम इक्वल टू 10 कूलम, और यही इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁻¹० स्टेट कूलम। साथ ही इसमें जो स्टेट कूलम लिखा हुआ है, इस स्टेट कूलम को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले आविष्कार के बारे में बताया था, तो उसी के नाम सम्मान में कूलम का मात्र फ्रैंकलिन रखा गया था। फ्रैंकलिन, इसको एफ आर से लिखते हैं, तो ये भी सीधी एस का मात्र कैसे हुई। जैसे मैंने यहां पर लिखा है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम के स्थान पर हम फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं। तो 1 कूलम = 3×10⁹ फ्रैंकलिन। आवेश का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र होता है इसका m0 l0 t1 e1। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक ये होता है फैराडे। फैराडे यहां पर साइंटिस्ट का नाम है जिसने रसायन विज्ञान में विद्युत अपघटन के बारे में बताया था, और वहीं से आवेश का मात्रक उसी फैराडे के सम्मान में फैराडे रखा गया था। इसमें संबंध होता है 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। तो आप देख सकते हैं कि फैराडे आप मात्रक का बहुत बड़ा मात्रक है। सबसे छोटा मात्रक किसका होता है, स्टेट कूलम। इस तरीके से ये आवेश के अनेक मात्रक